अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है। देखें, ये जेम्सन नाइट इसमें फंस रहा है गुटके में, और ये सेटिंग भी वो कैम से होगी, कैम खोलने से। ठीक है, कैम की वीडियो जो है वो इंशाल्लाह, अभी तो रमज़ान वाल मुबारक का महीना है, अभी नहीं बना सकता मैं, वो ईद के बाद ही मैं बना के वो अपलोड करूँगा कैम की पूरी मुकम्मल वीडियो। ठीक है ना, तो ये अभी थोड़ी सी ये मसला कर रहा था, हेड लड़का बुला के गया है, ये मैंने थोड़ा सा ये डेमो डाला है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से सेटिंग होती है, सही है ना, इसको भी केमी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चार नंबर का नट खोलना है केम का, सही है। तो ये अभी थोड़ा कैमरा ऊपर था, ये साइड पर देखेंगे, मैं पेचकस लाऊँगा, ये गुटके को थोड़ा सा नीचे करना है, ये देखो पेचकस से मैं ये एक दो वो करूँगा, वो थोड़ा गुटका नीचे हो जाएगा, सही है। फिर कैम टाइट करके नीचे गुटका दिखाता हूँ मैं आपको कि कहाँ पे आया है, वो सही जगह पे आया है या नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हेड लगाना भी मैं दिखाऊँगा इसी उसमें, तो चलते हुए भी थोड़ा डेमो दिखा दूँगा मैं आपको। ठीक है ना, देखे भी ये अभी फ्री हो गया, पहले तो ये फंस रहा था, ये मसला कर रहा था, तो लड़का बुला के लेके गया है, ज़रा परेशान हो रहा था। देखो अभी ये ओके हो गया। अच्छा, ये वाली जो पट्टी है ना, इसको आपने सीधा कर देना है, नोक प्लास वगैरह से या प्लास पड़ी हो ना, तो इसको इस तरफ सीधा कर देना है आपने। ठीक है, तो ये बेहतर है, ये सीधी होती है। ठीक है ना, तो इसको सीधा करके फिर लगाते हैं इसका हेड, और हेड लगाने के बाद इसको चलते हुए फिर थोड़ा दिखाऊँगा मैं आपको, सही है। तो सारी सेटिंग आपके सामने ही करूँगा, कोई वो नहीं है इसमें, इंशाल्लाह आप भी समझ जाएंगे इसको। तो जो दोस्तों के मुझे आए हैं मैसेज के कैम की सेटिंग बताओ, तो प्लीज़ यार ये मैं ईद के बाद ही आपको बता पाऊँगा, सही है ना। तो ये देखें, ये इसका हेड है, आपने इसके ये लीवर निकाल लेने हैं, सही है, पहले ये वाले लीवर निकाल लेने हैं, सही है ना। तो इसको इस तरीके से लगाना है, ये साइड से साइड में रख के, यानी कि हेड को, तो उसके पीछे दो बेरिंग होते हैं, वो इस पट्टी के पीछे वो करने होते हैं, देने होते हैं, तो इसको आराम से आपने पीछे करके लगाना है। ठीक है, अब वो ये वाली पट्टी जो है इस पे देखें, ये यहाँ पे ये नंबर नहीं लिखे हुए, लेकिन इस साइड पे नंबर लिखे हुए हैं, तो जिस साइड पे नंबर लिखे हुए होंगे ना, वो पीछे की साइड जाएगी, हेड के पीछे की साइड, ठीक है ना, तो वो आगे की साइड नहीं देनी, ये इस तरह से आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सही है। ये लगाने के बाद अभी फिर इसकी स्लाइडर पट्टी भी लगाएंगे, और जिसको हम रेलगाड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, ये सारी सेटिंग आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ये किस तरह से वो होता है, हेड लगता है। तो इसको लगाने के बाद चलते हुए भी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको, सेंटर बांधूँगा वो भी दिखा दूँगा। अच्छा, ये हेड की वो लगाने के बाद स्लाइडर, इसमें चार नंबर के नट फंसा दो, लेकिन सेंटर वाले नटों को टाइट नहीं करना आपने, सही है, क्योंकि वो लीवर जो निकाले हुए ना आपने, वो पहले लगाना है, क्योंकि सेंटर के नट अगर आपने टाइट कर दिए, तो फिर वो कलर चेंज पे आपको लगाना पड़ेगा, और नट भी टाइट करने पड़ेंगे पीछे ढाई नंबर के, चार नंबर के ये अभी आपने नट टाइट करके वो लीवर लगाने। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि अगर आपको कैम की सेटिंग वो करनी है ना, तो वहाँ से शाफ से 175 पे लाओ और इसको बांध दो, ये आपके पास वो गेज पड़ी होगी, या गेज नहीं है तो उंगली का अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं ईद के बाद इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं यार, टाइम ख़राब हो जाएगा लड़कों का, सबका कमाने का टाइम है, सही है ना। आरी की कैम की भी वीडियो डालूँगा मैं, उसकी भी टेंशन ना लें आप, ठीक है। लेकिन ये है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे यार मेरे को, सही है ना। तो अभी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मेरा थोड़ा सा मकसद है, दिल खट्टा हुआ हुआ है इस चैनल से, अभी 5-6 महीने हो गए मुझे ये चैनल चलाते हुए, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा यार, ठीक है। तो चलें अभी इसके ये लीवर लगा लेने हैं आपने, उसके बाद वो पीछे ढाई नंबर के एलकी के जो नट खुले हैं, वो ये लीवर के वो टाइट करने हैं आपने, सही है ना। तो अभी इसको फिर सेंटर वगैरह का दिखाता हूँ मैं, मैंने दो अंदाजे से बांधा है, आप इसको निडल को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे तो बेहतर है, ठीक है। अभी इसका ये तकरीबन हो गया है, ये लगाने के बाद ये पीछे का नट आपने टाइट करना है एक तरफ करके ढाई नंबर का। अच्छा, ये इसको बराबर खड़ा करना है, और इस तरफ जो
वो घोटी होती है ना जहाँ पे भी मैं पेचकस रखूँगा, ये इसको अंदर की साइड दबा के रखना है, सही है ना? तो ये आपने करना है लाजमी, ठीक है? अब इस तरफ वाला नट अभी टाइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी तरफ वाला नट टाइट करेंगे, ये ढाई नंबर की एल की का, सही है ना? तो अभी इसको ये नट टाइट करने के बाद दूसरा करेंगे, ठीक है? फिर वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसके, ये कहाँ पे सेंटर इसका कैसे बंधेगा और ये क्या है, चलते हुए भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है? सारी सेटिंग यही है। अच्छा, ये मेरी बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ये चिड़िया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, चिड़ियों को मैं कुछ नहीं बोल सकता, सही है? तो ये इनका यहाँ पे घर है, यानी कि पीछे दरख्त है और इनका यहाँ पे घर है। तो अभी दूसरे नट की तरफ आए हैं, इसको टाइट करने के बाद हेड के नट टाइट करेंगे, इसको सेंटर वाले है जिस जहाँ से ये मज़बूत होता है, सही है ना? अच्छा, वो जो स्लाइडर आपने लगाया है इसकी वो छोटी पट्टी होती है, वो आपने वापस लगा देनी है। मैं अभी ये हेड वेड लगाने के बाद लगा दूंगा, मैं भी भूल गया, पहले लगाना, सही है? तो ये अभी इसकी सेटिंग करके अभी इसके सेंटर के नट टाइट करने वाले हैं, सेंटर के नट टाइट करने हैं आपने, सही है? ये वाला है सेंटर के नट आपने टाइट करने के बाद क्या करना है वो भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ये अभी टाइट हो गए, टाइट कर रहा हूँ मैं ये वाले नट, ठीक है ना? तीन नंबर की एल की के, थोड़ा कैमरा आगे लगा हुआ है, इसको थोड़ा कैमरे को भी पीछे करूँगा मैं, सही है? तो ये दूसरा भी लग गया, ये मैं दिखाता हूँ सारी सेटिंग आपको इसकी, थोड़ा हाँ ये कैमरा पीछे कर दिया, ये अच्छा किया, सही है ना? तो ये भी हो गया है, अभी मैं इसका सेंटर बांधूंगा। अच्छा, सेंटर आपने बांधना है ना तो तीन नंबर निडिल पे बांध दिया करो, ठीक है? क्योंकि वो बीच की निडिल होती है ना, तो वो उस पर थोड़ा बेहतर वो होता है, सही है? तीन नंबर निडिल पे सेंटर बांधा करें, बाद होता है चार पे बांध देते हैं, दो पे या एक पे बांध देते हैं, जो भी निडिल खड़ी हुई होती है उसी पे बांध देते हैं, सही है? तो सेंटर ऐसे बांधना है, दूसरी निडलों को भी देखना है कि कहाँ पे खड़ी हुई है, सेंटर इसका ओके है, अभी इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है? वो बता रहा था सेंटर के बारे में कि दूसरे हेडों को भी देख लेना है कि कौन सी निडल पे खड़े हुए हैं, फिर ये जो हेड खोला हुआ होता है आपने इसका सेंटर भी उसी निडल पे बांधना है, ऐसा ना हो कि वो दूसरे हेड एक नंबर पे खड़े हों तो इसको आप तीन नंबर पे बांध दो, या दूसरे चार पे खड़े हों तो इसको तीन पे बांध दो, तो इस चीज़ को तो आपने लाजमी ध्यान में रखना है, सही है? बाकी अगर मुझसे अगर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। ये ओके हो गया, अभी टाइम नहीं था तो थोड़ी वीडियो काट के अभी इसको चलते हुए पे दिखा दिया मैंने, सही है? क्योंकि टाइम इसका लड़के का ज़्यादा ज़ाया हो गया था, ठीक है? तो यही सारी सेटिंग है, ये आप भी समझ सकते हैं सारा कुछ आसानी से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।